यूपी। जिला संवाददाता रिजवान उद्दीन पत्रकारों से वार्ता करते बसपा नेता राजेश कुमार एडवोकेट। नवरात्र में मांस मछली दुकानदारों की पालिका ने छीनी रोजी, राजेश। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना में हुआ खुलासा। पालिका बोर्ड ने अपनी मर्जी से पिटवाई थी डुबकी। फतेहपुर, शारदीय नवरात्र के 9 दिनों तक शहर क्षेत्र की सभी मांस मछली की दुकानें बंद, डुबकी पिटवाकर बंद कराए जाने के मामले में बहुजन समाज पार्टी के नेता राजेश कुमार एडवोकेट ने सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी, जिसमें बताया गया कि इस तरह का कोई आदेश डीएम की ओर से जारी नहीं किया गया था। पालिका ने अपनी मर्जी से डुबकी पिटवा कर दुकानें बंद करवाई थी। इस पर बसपा नेता ने नाराजगी का इजहार किया। सोमवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बसपा नेता राजेश कुमार एडवोकेट ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर सभासदों तक अपना प्रतिनिधि चुनने में छोटे छोटे दुकानदारों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। घंटों लाइन में लगकर इन्होंने वोट दिया, उसके बदले में इनकी रोटी छीनने का काम नगर पालिका बोर्ड ने किया। नगर पालिका परिषद के चुनाव में हम लोग बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद आसिफ जी को प्रत्याशी बनाएंगे और जो इस नगर पालिका क्षेत्र में तमाम गंदगी फैली हुई है इसको दुरुस्त कराने का काम करेंगे। जो विकास पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है इसको विकास को हम लोग गति देंगे, यही हमारा मेन मुद्दा रहेगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने किस उद्देश्य से की है? ये पिछले नवरात्रि के दिनों में जो मीट मछली की दुकानें नगर पालिका परिषद द्वारा बंद कराई गई थी ये गैर कानूनी था। मैंने सूचना अधिकार के तहत माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से कॉपी ली, उस कॉपी में कहीं कोई ऐसा कोई आदेश नहीं था कि मीट मछली की दुकानें बंद कराई जाए। ये नगर पालिका परिषद द्वारा जबरदस्ती बंद कराई गई हैं, जिससे जो मीट मछली के छोटे मोटे कारोबारी हैं उनको काफ़ी क्षति हुई है, आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार अंबेडकर एडवोकेट है।